भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छात्र संगठन ने मुख्यमंत्री जन कल्याण को लेकर अतिरिक्त उच्च शिक्षा संचालक को ज्ञापन सौंपा, कार्यवाही की मांग की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छात्र संगठन ने अतिरिक्त उच्च शिक्षा संचालक को 5 सूत्रीय मांग का ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा योजना को ठीक तरीके से क्रियान्वयन कराने की मांग की है। छात्र संगठन चाहता है जिन छात्रों ने शुल्क जमा कर दिया है उनका शुल्क वापस किया जाए। असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीकृत छात्रों से कुछ महाविद्यालय शुल्क जमा करा रहे हैं, उन पर तत्काल रोक लगाई जाए, जैसी मांगे प्रमुख रूप से शामिल की गई हैं। आज तक मुख्यमंत्री जी ने छात्रों के हित में तो कोई काम भी नहीं किया। आज चुनावी वादों चुनावी जुल्मों को लेके मुख्यमंत्री जी ने छात्रों के लिए एक योजना निकाली है, जो योजना है मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इसमें से असंगठित कर्मकार का पंजीयन जिनका मध्य प्रदेश शासन के यहाँ पंजीकृत है तो उनके बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन शिवराज सिंह के अधीनस्थ जो यहाँ के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, प्रोफेसर हो या विश्वविद्यालय के कुलपति रजिस्ट्रार हो, इस योजना में किसी भी तरह का अमल नहीं किया जा रहा है। छात्रों से जिनके माता पिता का कर्म संगठित कर्मकार का पंजीयन है उनके छात्रों से भी फीस जमा करवाई जा रही है।